हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम स्लैब कास्ट करते हैं और स्लैब कास्ट करने के बाद सबसे पहला काम क्या किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो है स्लैब कास्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट डे हम सबसे पहले ये दो काम करते हैं। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जो हमारे स्लैब है उसके ऊपर उसकी तराई के लिए जो 4 इंच का जो रद्दा लगाया हुआ है ये हम सबसे पहले लगवाते हैं। और ये रद्दा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रद्दा इसलिए लगवाते हैं, इससे क्या होता है कि हम छत की तराई अगर करते हैं तो पानी जो है चारों तरफ इसी तरीके से भरा जाता है। अगर हम ऐसे 4 इंच का रद्दा लगा करके नहीं करते हैं तो क्या होता है, पानी जो है रुकता नहीं है स्लैब के ऊपर और वो बह जाता है, जिससे स्लैब की अच्छे तरीके से क्योरिंग या तराई नहीं हो पाती है। इसको हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो हम क्या करते हैं कि मिट्टी की डॉल बना के कर सकते हैं, या फिर हम मिट्टी की या बदरपुर की डॉलें बना करके भी कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल करके हम चारों तरफ और बीच में भी, जैसे कि 4 इंच की चिनाई के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको। और एक और तरीका होता है कि हम छत पर क्या करते हैं कि जो जूट होता है हमारा, जूट की बोरी बिछा करके पानी से तराई करते हैं, जिससे कि वो जूट की बोरी जो होती हैं वो ज़्यादा देर तक गीली रहती हैं, और ज़्यादा देर तक गीली होने की वजह से हमारी, हमें छत जो होती है वो आसानी से तराई होती रहती है हमारी छत जो है। दोस्तों, दूसरा काम ये होता है कि जब भी हम कभी ये 4 इंची का रद्दा लगाते हैं तो इस रद्दे को लगाने के लिए हमें मटेरियल ऊपर लाना पड़ेगा, जिसमें हमें सीमेंट, बदरपुर और ईंटों की ज़रूरत सबसे पहले होती है। तो इन ईंटों को लाने और ले जाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जीने की पैड़ियाँ जो होती हैं वो बनानी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमने जीने की पैड़ियाँ बनवाई हैं, ये देखिए, ये 3 फुट चौड़ाई का जीना है। ये बनना सबसे पहला काम ये होता है, उसके बाद आप तराई के लिए बॉक्स लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, एक ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जिससे कि मैं आगे भी आने वाली ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों। ये देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर कल इसमें ये बॉक्सिंग करवाई है 4 इंच का रद्दा लगवा करके, और यही रद्दा आपके बाद में भी काम आ जाएगा। जो बीच के रद्दे हैं, जैसे ये वाला रद्दा है, ये रहेगा सिर्फ, और यहाँ पर जो कुछ रद्दे ऐसे हैं जिनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो जब हम फर्श करेंगे तो वो वहाँ पर दिक्कत करेंगे, तो इसलिए हम जब तराई का काम पूरा हो जाएगा तो हम इन रद्दों को हटा भी सकते हैं, लेकिन जो आउटर रद्दा है उसको ऐसे ही लगा रहने देंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों।